इंदौर से प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान फेमस कॉमेडियन सुनील पॉल उपस्थित थे। सुनील पॉल ने राजू श्रीवास्तव से जुड़ी कई यादों को साझा किया। सबसे पहले तो मेरा नाम रोमिल शर्मा, ये रुमॉन फिल्म्स स्टूडियो नागपुर में हम हैं। इस समय सुनील पॉल जी हमारे साथ हैं और नागपुर के कई हास्य कलाकार, कॉमेडी कलाकार हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के उपलक्ष में सुनील पॉल सर और इतने सारे जो कलाकार, ये पब्लिक यहाँ इकट्ठी हुई है, ये लोग हम राजू श्रीवास्तव, जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े हंसने और हंसाने वाले जो एक कलाकार थे, जो अब हमारे बीच नहीं है फिजिकली, उनके उपलक्ष में उनको प्रेयर करने के लिए, उनकी प्रेयर के लिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम यहाँ पर रखा हुआ है। साथ ही साथ मेरे अपकमिंग अभी शोज़ आ रहे हैं बैक टू बैक, लेथल एंटरटेनमेंट प्रेजेंट हम शो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो अतरंगी नाइट के नाम से रहेगा, जो जिसको एसोसिएशन किया है इन एसोसिएशन विद मरलाइन क्लब एंड रुमॉन फिल्म्स। हंसने और हंसाने वाले, अपनी बातों से हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव जी जो कॉमेडियन है, सुप्रसिद्ध कॉमेडियन थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। रुमॉन फिल्म्स द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज हमारे साथ सुनील पॉल जी भी उपस्थित है यहाँ पे। उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या यादें रही है राजू श्रीवास्तव जी के साथ। यादें तो बस बहुत सारी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि शरीर भले उन काम से दूर चला गया, लेकिन उनका काम हमेशा तरोताज़ा रहेगा, हमेशा हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। क्योंकि मुझे ऐसी कोई भी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही जिसमें आप ये भी तस्वीर देखें, यहाँ भी हंस रहे हैं, हर तस्वीर में वो हंसते हुए दिखाई देते हैं, हर प्रोग्राम में हंसाते हुए दिखाई देते हैं। गम को, टेंशन को उन्होंने कभी बड़ा बनने ही नहीं दिया, अपने से ऊपर जाने नहीं दिया। बहुत सारे टेंशन अगर दुख उनके अंदर थे भी तो हमेशा उनको दबा के रखते थे, कभी उनको सर नहीं उठाने दिया। कहते ना कि हम अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते लेकिन सर झुकाते नहीं। तो ऐसा ही उनका जीवन रहा कि तकलीफ और टेंशन के सामने उन्होंने सर नहीं झुकाया कभी। तो ये उनका जीवन है, प्रेरणादायी जीवन है, जो हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। राजू भाई स्टैंड अप कॉमेडी का पर्याय है, वो जब तक स्टैंड अप कॉमेडी है तब तक राजू भाई है। जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और ये मुकाम हासिल किया था, उसके बाद अचानक से उनका मतलब जो दवाखाने भर्ती थे, अस्पताल में भर्ती थे, उसके बाद जो उनका मतलब देहांत हो गया है, इसमें सदमा तो सभी को लगा होगा। आपकी बहुत सी यादें उनके साथ होगी, कभी कोई ऐसा किस्सा जो है वो शेयर करना चाहोगे आप? बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारी फिल्म आ रही थी गाली गलौज, उसके लिए मैं मिलने चला गया था उनको। मैंने कहा मैं एक फिल्म बना रहा हूँ गाली गलौज, तो बोले क्या टाइटल है गाली गलौज? मैंने कहा गाली गलौज जो है, ये गाली गलौज करने वाले जो कॉमेडियन हैं उनके खिलाफ ये फिल्म है। बोले कैसे? मैंने कहा जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन है, वैसे गाली गलौज हमारी फिल्म में विलन है। तो हंसने लगे, बोले यार हाँ यार, स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत गंदगी आ गई, गाली गलौज आ गया। मुझे भी पसंद नहीं, उनको भी पसंद नहीं था। तो अब कुल मिलाकर उनकी दुआएं और प्रार्थना हमारे साथ में रहेगी। गाली गलौज फिल्म आप देखेंगे तो कुल पता चलेगा कि कैसे हम सब फैमिली ओरिएंटेड कॉमेडी करने वाले, साफ सुथरी कॉमेडी करने वाले, कैसे हम चाहते हैं कि इस कॉमेडी को और जीवन मिले और फ्रेशनेस मिले और साफ सुथरी कॉमेडी ये लोगों तक पहुँचे। बहुत से चाहने वाले हैं राजू जी के, उसके बाद उनके राह पे चलने वाले भी बहुत लोग हैं, उन्हें भी आप क्या इस मौके पर संदेश देना चाहोगे? बस यही कहूँगा कि राजू भाई ने बहुत अच्छा काम करके छोड़ा है। इतना बड़ा परफॉर्मर, इतना बड़ा कलाकार, ढाई ढाई घंटा स्टेज पर अकेले परफॉर्म करने वाले, जो पब्लिक उनको छोड़ती रही थी वो पब्लिक को नहीं छोड़ते थे, ऐसे बड़े कलाकार का खोना शारीरिक रूप से हमें बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन काम जब भी देखोगे उनका फ्रेश हो जाओगे, तस्वीर उनकी जब भी देखोगे फ्रेश हो जाओगे, उनके फ़ोटो उनकी वीडियो जब भी देखोगे आप खुश हो जाओगे। तो राजू भाई आप हमें हमेशा मुझे प्रेरणा देते रहें, हमेशा हमें अपना परिवार समझते रहें, ये हमारा सौभाग्य है। और हमेशा आप ऐसे ही कृपा और आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। आज जो है सुनील पॉल नागपुर आए थे, राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन है उन्हें श्रद्धांजलि दी गई रुमॉन फिल्म्स की ओर से, और उन्होंने कहा कि उन्होंने कई किस्से और यादें जो है वो शेयर की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।